खरगोन जिले के घेगांव में वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का आक्रोश आज जमकर फूटा। कलेक्ट्रेट पहुंचे घेगांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की जमकर नारेबाजी कर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। चुनावी सीजन में वादों और दावों के बीच आजादी के बाद से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण अब शासन प्रशासन से मतदान का बहिष्कार कर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भले ही विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन आजादी के बाद से सड़क सहित मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे लोग रोज कलेक्ट्रेट पहुँच रहे हैं। घेगांव से रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुँचे ग्राम घेगांव के ग्रामीणों का कहना है कि 15 से 20 साल से लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में आजादी के बाद से सड़क नहीं है। सड़क की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, विधानसभा लोकसभा सहित आने वाले हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ने ज्ञापन भी सौंपा है, नारेबाजी भी की कि मतदान का बहिष्कार करेंगे, रोड की मांग है इनकी, क्या कहना चाहेंगे मैडम? ये ग्राम घेगांव के ग्रामवासियों द्वारा रोड निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें उनके द्वारा रोड निर्माण की मांग की गई है, तो संबंधित विभाग को भी हम अवगत कराएंगे और शासन को भी ये ज्ञापन भेजा जाएगा ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। बाकी हम वरिष्ठ लोगों को जितने भी हमारे ये हैं इनकी समस्याएं हैं, रोड और अन्य समस्याएं हैं, इनसे भी हम अवगत कराएंगे ताकि इनकी मांग जल्दी से चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। हाँ, ये उनका मुद्दा है कि संतोष पाटीदार ग्राम घेगावा विधानसभा 185 खरगोन से बोल रहा हूँ। हमारी ये मांगे है कि 40 वर्षों से हमारे गांव के आसपास के जो 4-5 किलोमीटर की सड़कें हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बनी है और इन सड़कों पर करीबन 400 से 500 वाहन प्रतिदिन चलते हैं और एक रोड तो ऐसी है जो हमारे गांव को इंदौर और भोपाल से जोड़ती है और हमारी सरकार से यही मांग है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार रहेगा और हमारी गांव की ओर से मीडिया को और मीडिया कर्मियों को हम आभार व्यक्त करते हैं। संतोष पाटीदार। जो 3 रोड है वो बद से बदतर हालत में हो गए हैं। हमारी समस्या है कि जब तक हमारे गांव में रोड नहीं बनेगा तब तक हमारे यहां मतदान नहीं होगा, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर ग्राम पंचायत हो। जब तक हमारे गांव में ये 3 रोड नहीं बनेंगे हमारे यहां के कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं करेंगे। हमारी समस्या यह है कि हमारे 3 रोड बनाएं और ये मतदान चालू करें। कब से समस्या है? समस्या है कम से कम आज से 30-40 साल पहले की, जो अभी तक चल रही है। सिर्फ प्रशासन आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम करवा देंगे, आज नहीं कल करवा देंगे, बस हम उनके भरोसे अभी तक बैठे थे, लेकिन अब तक हमारा भरोसा पूरा टूट गया है। जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक मतदान नहीं होगा, ये हमारा मेन मुद्दा है। कौन कौन सी रोड है? ये हमारी रोड है घेगावा से चितावल जो कि 3 किलोमीटर की है, घेगावा से जाहूर जो कि 5 किलोमीटर है और घेगावा से पानियाधड़ 4 किलोमीटर। ये छोटे छोटे रोड है जो अभी तक हमारी समस्याएं ये सरकार दूर नहीं कर पाई है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र पाटीदार, घेगांव से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।